नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद ध्रुव, इनका ये स्पेशलिटी है। क्या है स्पेशलिटी? केवल आनंद कंद। एवरीथिंग अबाउट देयर प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज सिंपली एक्सटैटिक, सिंपली जॉयफुल। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग बोर्ड एवर। सूर्य चंद्र हरे जैसे सब अंधकार, वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार। ए माता दुए भाई जीवेर अज्ञान, तमो नाश करी कैला तत्व वस्तु दान। जैसे सूर्य और चंद्र जब प्रकाशित होते हैं तो अंधकार को दूर करते हैं, ऐसे ही ये दोनों भाई जहां पर प्रकट होते हैं वहां सारे जीवों के हृदय में जो आध्यात्मिक अंधकार है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, जगत क्या है, मैं इधर क्यों आया हूँ, इसके बारे में अज्ञान है, वो जो अंधकार हृदय के अंदर है वो सबके अंदर से दूर हो जाता है जिसके जीवन में ये दो भाई आ जाते हैं। अज्ञान तमेद नाम कहिय कैताम, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। तो अज्ञान का नाम क्या है, अज्ञान मतलब क्या है? तो हमारे हृदय में हमारे स्वरूप मतलब हमारे वास्तविक अच्छा जो है हमारे लिए, उसको छोड़ के बाकी सारी इच्छाएं हम करते रहते। जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है ना, अब सभी मेंटल हॉस्पिटल गए हो तो वहाँ पे सब सटके लोग रहते हैं, तो वो क्या करते रहते हैं, तो कोई ऐसे करके यहाँ से गाड़ी चला रहे हैं और वो बोलता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूँ, मतलब एक तो स्कूटर चला रहे हैं बोलता है प्राइम, और दूसरा एक मूर्ख रहता है उसको बोलता है तू प्राइम मिनिस्टर है, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करा दूँ, बोलता है ठीक है मेरा इलाज करने के लिए पीछे बैठ दूँ। तो ऐसे करके सभी पागल ही है, हर एक ने अपना अपना फॉल्स आइडेंटिटी रोल गोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लिया और घूम रहे हो उल्टा सुल्टा काम करते हो, वास्तविकता में वो है कौन वो उसको पता नहीं। ऐसे ही इस भौतिक जगत क्या है, ये भी एक मेंटल असाइलम है। सब सटकेले लोग इधर आते हैं जिनको आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, अपने स्वरूप स्थिति का ज्ञान नहीं है, दे अश्यूम फॉल्स रोल्स गोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कीप स्ट्रगलिंग अंडर दैट। और इसीलिए भगवान आते हैं इस धरातल में एक ट्रेलर दिखाने के लिए कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है क्या और तुम आध्यात्मिक जगत में हो कौन, तुम्हें क्या करना है अपने जीवन के साथ, ये प्रकाशित करने के लिए आते हैं। और इसे कहते हैं वास्तविक धर्म, सनातन धर्म जीव का, यही सनातन धर्म को प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। तो लेकिन इस दुनिया में हालत कैसी है, लोग जो है वो धर्म के नाम पर भी अपने ही भौतिक चीजों को संपूर्ण संतुष्ट करना चाहते हैं। जैसे नो सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश, उसमें भगवान से कोई लेना देना नहीं है, मेरा भौतिक जीवन अच्छा चलना चाहिए बस। बहुत सारे फैक्टर्स है टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, उसमें एक फैक्टर अगर भगवान फैक्टर भी है तो काय को पंगा लेने का उसके साथ, इसलिए उसको भी फुलफिल कर देंगे। इस भावना से लोग भगवान के पास आते हैं, इसको कहते हैं कहीं का वो धर्म, चीटिंग रिलीजन। वास्तविक रिलीजन वो है, धर्म है जो केवल भगवान से प्रेम करना सिखाता है और उस प्रेम के अंतर्गत अन्यों की सेवा करना सिखाता है, तो वही वास्तविक धर्म है हर एक जीव का। तो ये जो दोनों भाई हैं कृष्ण और बलराम, ये भक्त रूप में आते हैं, भगवान के रूप में नहीं आते। अगर वो भगवान के रूप में आते थे तो कलयुग में परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम, ये काम करने के लिए क्या करना पड़ता था भगवान को, 99% पॉपुलेशन दुष्कृताम है, 1% पॉपुलेशन ही आपके जैसा बचा है जो साधु नाम कहलाया जा सकता है, बाकी सारा दुनिया जो है ऊटपटांग काम करने में लगा हुआ है, धर्म के नियम तोड़ने में लगा हुआ है, उनका उसमें आनंद आता है। I am more lusty than you, I am more angry than you, I am more greedy than you, that is called heroism. ऐसा हालत है जगह। तो ये अगर भगवान इस कलयुग में आते थे अपने भगवत्ता को लेकर तो उनको सबके गले काटने पड़ते क्योंकि विनाशाय से दुष्कृत। तो इसलिए भगवान आते हैं भक्त के रूप में, भक्त का मूड क्या रहता है, everyone else is better than me and I can enhance their consciousness by engaging them in proper activities. तो इसलिए भगवान आते हैं भक्त के रूप में और वे घर घर जाकर, ये 500 साल पहले की बात है, नवद्वीप धाम जो मायापुर के निकट है, जो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के पास 4 घंटे पर है, वहाँ पर ये दोनों प्रकट हुए और इन्होंने अपनी लीला रचाई। उस लीला को कहते हैं संकीर्तन आंदोलन, संकीर्तन लीला। ये क्या लीला है, इस पर हम भगवान के नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद पाते हैं और अपने दैनंदिन गतिविधियों को, अपने अपने कर्तव्यों को कृष्ण को केंद्र रख के करते रहते हैं। जैसे अभी पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई को कृष्ण के लिए करते हैं, अगर घर परिवार चलाना है तो कृष्ण के लिए करते हैं,
तो इस प्रकार से ये दोनों जो है, ये जैसे कोई शिक्षक है उसको मैथमेटिक्स बहुत आता है, लेकिन बच्चा सामने जो बैठा है वो उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड कुछ ज़्यादा आता नहीं है, तो हाथ में खड़ू लेके उसको पार्टी पे लिखा लिखा कर बताता ना, 1 2 3, ऐसा नहीं कि वो टीचर को उतना ही आता है, नहीं, उसको बहुत कुछ आता है। ऐसे ही भगवान शुद्ध भक्ति सिखाने के लिए भक्त के रूप में आते हैं और कलयुग के जीवों को हाथ पकड़कर सिखाते हैं कि तुम भक्ति कैसे करो, तुम फर्स्ट स्टेप ऐसा लो, दूसरा स्टेप ऐसा लो, तीसरा स्टेप ऐसा लो। लेकिन ऐसे नहीं समझना चाहिए कि फिर ये हमारे जैसे बन गए, नहीं, उनका जो वे अहेड ऑफ अस। तो इसीलिए इनके साथ जब हम डील करते हैं तो कैसे डील करना है, जैसे कोई हमारा परिवार का सदस्य होता है। आप जब भी आते हो एकेडमी में आप उनको प्रणाम कीजिए, और ये जो मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य गो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं। ये उनका प्रणाति मंत्र है, प्रणाति मतलब प्रणाम करने वाला मंत्र है। और फिर उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, तो ये मंत्र को बोला है। सो दैट इज द स्टैंडर्ड व्हेन वी कम इन फ्रंट ऑफ। फिर आप उनसे प्रार्थना कर सकते हो जब भी आपको कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, भौतिक या आध्यात्मिक, आप उनके पास जा सकते हो और बोल सकते हो कि डियर कृष्ण बलराम, डियर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, दिस इज माई प्रॉब्लम, काइंडली हेल्प मी। जैसे कल हमने लिखा था ना, माई कंडीशनिंग्स हैबिट्स, अभी वो उसको निकाल बाहर करने के लिए कौन सा पिल ले सकता है, एनासिन, क्रोसिन, सोफ्रामाइसिन, सोफारमाइसिन, और वो दूसरा एक नया निकला है कुछ, तो उसका नाम भी कैसे था, ज्यादा स्नीजिंग करता है तो कौन सा देते, हाँ, सिन अरेस्ट, सिन को अरेस्ट कर रहा है, पर टेम्पररीली वो थोड़ा, तो दुख जो है वो सिन के कारण है, अगर उसको ऊपर उठना है उसके तो क्या करना है, सिनारिश नहीं लेना है, चैतन्य नित्यानंद प्रभु के पास आना है और उनको कहना है कि मैंने पहले बहुत सारे गड़बड़ किए, उसके कारण उल्टे सुलटे नतीजे आ रहे हैं, मेरे परिणाम आ रहे हैं मेरे जीवन में, आप कृपा करके मेरी मदद करो कि मेरा जीवन अच्छा चले, मैं आपकी भक्ति में लगूं और मैं अच्छा और कुछ अच्छा कार्य समाज के लिए कर पाऊं। तो जैसे कोई हार्डकोर क्रिमिनल भी होता है जिसको डेथ सेंटेंस मिला है, लेकिन वो जेल में अच्छा बिहेवियर करता है और फिर राष्ट्रपति को एक पिटीशन लिखता है, तो उसको क्या मिलता है, अर्ली रिहाई मिलता है ना, उसको बोलता है ठीक है घर जाओ खुश रहो। ऐसे ही हमारा केस जो है वो करंटली दुर्गा देवी हैंडल कर रही, माया, वो माया मार मार के सबको जेल में ठीक कराती है कष्ट देकर। त्रिशूल होता है ना उसके हाथ में, शूल मतलब क्या है, पेन, कष्ट, तीन प्रकार के कष्ट देती है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, शरीर और मन के द्वारा आने वाले कष्ट, अन्य लोगों के द्वारा आने वाले कष्ट, नैसर्गिक आपत्तियों के कारण आने वाले कष्ट। ये त्रिशूल नहीं चाहिए जीवन में, तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल को छोड़कर अपने पिताजी के पास वापस जाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि मेरे को इससे बाहर निकालो, तो अपने जीवन के सारे दुख दूर होंगे। तो इसीलिए ये चैतन्य नित्यानंद जो है, ये कृष्ण बलराम है जो भक्त के रूप में अवतार लेकर आते हैं, भगवान के रूप में नहीं, इनको छन्न अवतार कहते हैं, हिडन इनकार्नेशन, और वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं सारे जगत में, इन्हीं का आंदोलन है ये हरे कृष्ण संस्कार। तो इनके ही परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए षड गोस्वामी वृंदावन के, उनके शिष्य हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी और पद्मनाथ ठाकुर, ऐसे करते 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 प्रभुपाद तक, इस्कॉन के जो फाउंडर है उन तक वो गुरु परंपरा आती है। और इसी तत्वज्ञान को, इसी संस्कृति को, इसी सेवा को हम आप सबको प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो आज का दिन है बहुत शुभ दिन है, आज कार्तिक महीने का पहला दिन है, और क्या? और ये जो आ रहे हैं ये राइट टाइम पे आए हैं आपके जीवन में, आपके सबके टेंशन को दूर करने के लिए। तो जब भी आपको लगता है थोड़ा एक्स्ट्रा टेंशन हो गया लाइफ में, तो आके इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, और क्या करना है, केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। इनकी आराधना करना कोई कठिन बात नहीं है, कोई भी आपके सामने बैठे थोड़ा 2 मिनट हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, उनसे प्रार्थना करें, उसमें वो खुश हो जाते हैं, उसके ऊपर श्रद्धा मात्र लये देन परम आनंद। ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं करते हैं कि शुद्धता पालन करो, 3 बार स्नान करके आओ, इधर पूर्व दिशा में देखो, उत्तर दिशा में देखो, कपड़े ऐसे पहनो, वैसे मत पहनो, कोई नियम नहीं है।
बाकी कुछ नियम नहीं है इनकी आराधना करने में। केवल एक ही श्रद्धा पूर्वक आप उनके नाम को ग्रहण कीजिए, भगवान के नाम को, और उनके साथ समय बिताइए। तो मैं वापस आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि एकेडमी जो है ये आप सबका घर ही है, आप कृपा करके इसको अभी मंदिर भी बना रहे हो भगवान का, तो यहाँ पर आप जब आते हो तो अपने व्यक्तिगत शुद्धता के बारे में थोड़ा ख्याल रखो, अपने परफॉर्मेंस के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा ख्याल रखो, और आपके नॉलेज अर्निंग के बारे में बहुत सजग हो जाओ। ऐसे आप करोगे तो आगे चलकर आप ही का भवितव्य जो है वो भौतिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत उज्ज्वल बनेगा, और साथ ही में लोग जो है वो भगवान के प्रति आकर्षित होंगे, वो सोचेंगे कि आध्यात्मिक जीवन पालन करने से लोग क्या बन जाते हैं, फर्स्ट क्लास, मुझे भी पालन करना चाहिए। लेकिन आप अकेडमी